नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। दोस्तों, जिसमें हमेशा हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, और होना भी चाहिए क्योंकि जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा। अगर पार्टियां केवल रैली और सम्मेलनों में व्यस्त रहेंगी तो जनता के मुद्दों की बात करने का बीड़ा हम कलम के सिपाहियों ने ही उठा रखा है, और उठाएंगे भी, क्योंकि हम भी जनता के ही नुमाइंदे हैं, इसी आम जनता से आते हैं। तो इन मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे इसी मुद्दों की बात करते हैं, पर इस मुद्दे का सरोकार क्या है, इस मुद्दे का आदर्श क्या है, उस मुद्दे में कहां तक काम हुआ है वो भी हम आज जारी करेंगे, देखेंगे। तो इस मुद्दे पे बात करने के पहले हम बात करते हैं चार लाइनों से कि होते हैं चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे, होते हैं चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे, कुछ जमीन पर हैं तो कुछ आसमां में आगे। जनता मुद्दों की बात कौन करेगा, जनता मुद्दों की बात कौन करेगा, सत्ता अपना राग अलापे, विपक्ष अपना राग अलापे। तो यह मुद्दा है वो है विकास का, और इस विकास के मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा और समाजवादी पार्टी से शरीफ हाशमी। आपका इस दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हमारा मुद्दा बड़ा है और इस पर बात करनी जरूरी है, इसलिए शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कि गौरव मिश्रा उनसे करेंगे। तो गौरव जी बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो गया, एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया है, 3 बन चुके हैं, 2 बनने वाले हैं, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विकास कहाँ हुआ है। शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही ये सरकार, पूछी होगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने जो विकास का जो एक इकोसिस्टम है उसको बदल दिया है। इस प्रकार पिछली सरकारों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली सरकारें योजनाएं नहीं लाती थी, काम नहीं करती थी, काम करती थी, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सरकार को बचाए रखने और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का एक भय और एक माहौल वातावरण, उससे वो बंधे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ दिया है और विकास को जनता के द्वार तक पहुंचाया है, और ऐसे विकास कार्य जिससे देश और प्रदेश पिछले 70 वर्षों से अछूता रहा है, चाहे वो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला हो, एक्सप्रेसवेज का, आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज के बारे में जाना जाने लगा है, मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बनाए गए, आज उत्तर प्रदेश में अकेले आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है और देश के अंदर का भी इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, देश का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है। तो ये एक ऐसे प्रतिमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यहाँ पर स्थापित किया है अपनी सरकार में, जिसके लिए जनता ये अनुमान ही नहीं लगा पाती थी कि कभी कोई सरकार आएगी और इस प्रकार से काम भी करेगी। लेकिन जनता के मन मस्तिष्क में एक जो पर्सन सेंट्रिक, व्यक्ति सेंट्रिक केंद्रित जो विकास होता था पिछली सरकारों में, जिसमें नेता का विकास होता था, पॉलिटिकल पार्टियों का विकास होता था, लेकिन आम जनता ठगी जाती थी, छली जाती थी, और उनको लूटा जाता था, उनके साथ कहीं ना कहीं डकैती किया जाता था, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे। लेकिन आज जनता को इस बात का विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने विकास को सार्वभौमिक कर दिया है, सार्वजनिक कर दिया है, सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म क्षेत्र भाषा बोली के भेदभाव के विकास को समान रूप से लोगों तक पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को सराह रही है, उसे अपना श्रेय और आशीर्वाद पुनः 2022 में देने के लिए तैयार है। पर सपा और बसपा तो बोल रही है कि जो उनके काम थे उन्हीं का फीता मुख्यमंत्री काट रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पिछली सरकारों में उद्घाटन कई हुए, लेकिन उद्घाटन के पीछे की मंशा उनकी दूषित थी, इसलिए लोकार्पण नहीं हो पाए, और उद्घाटन भी किए और जो एस्टिमेटेड बजट उन योजनाओं का बनाया, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट परियोजना हो, इन सब की कमियों को आपको बता देंगे, वर्मा कॉरिडोर हो या फिर गोमती कॉरिडोर हो, सब में जो एस्टिमेटेड बजट है, एक तो उसको 20-40% बढ़ा करके रखा गया, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बना करके रखी गई, भाई भतीजावाद बना करके रखा गया, इन सब व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में चल रही सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने
ध्वस्त कर दिया और उसको परिष्कृत करके विशुद्ध रूप से विकास सेंट्रिक कर दिया और विकास में वो पैसे खर्च हुए। इसीलिए हमारी सरकार में उद्घाटन भी होता है, कम खर्च में उस विकास कार्य को पूरा भी किया जाता है और लोकार्पण भी होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा गौरव जी इस पर समाज पार्टी का पक्ष लेते हैं। भैया सरीफ हाशमी जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। गौरव मिश्रा जी ने कहा कि सरकार विकास कर रही है, अपने लोगों को नहीं बढ़ा रही है, केवल जातिवाद नहीं कर रही है, केवल विकास कर रही है, जो लोकार्पण नहीं हुए थे, जो अब तक काम बाकी थे वो काम सरकार ने किए हैं, गरीबों के लिए काम किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इन्होंने एक चीज़ तो स्वीकार की कि इन्होंने जितने फीते काटे हैं वो हमारे लाए हुए काम है, ये कम से कम ये स्वीकार तो कर रहे हैं। इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमें ऐसे प्रवक्ता मिले जिन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने मेरे कामों का फीता काटा। रही बात इन्होंने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है वो मेरी ही सरकार में आखिरी समय में मेरे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको जिसका टेंडर सरकार अंतिम समय में सरकार के हुआ था, कि चुनाव आयोग की डेट आ चुकी थी जिसके कारण एलआई उसका हम नहीं बना पाए, जो काम हम आगे नहीं कर पाए, लेकिन वो मेरा ही प्रोजेक्ट था जिसका इन्होंने आज फिर फीता काटा। ये स्वीकार करते हैं, ये अच्छी बात है। और मैंने जो कुछ किया ये सब उसके फीते काट रहे, जो काम आज इसको बता रहे वो मैंने ही तो जनता के लिए किए, मेरे ही लाए हुए प्रोजेक्ट थे जिसको आपने आगे बढ़ा दिया। और रही बात आपने क्या किया, कितना टेंडर माइनस किया, टेंडर माइनस किया, आपने मानक में कितनी कमी की, आपने एक्सप्रेस वे बना दिया उसमें एक भी सर्विस लाइन नहीं छोड़ी, आम आदमी कैसे चलेगा, गांव के लोग उस पर कैसे चलेंगे। हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनाया उस पर देखिए दिया है सर्विस लाइन, आप एक हम टेंडर कैसे कम करेंगे, हमने मानक कम कर दिया, हमने चीजों को समेट दिया, जो लाइटिंग दी गई है आप उसको चेक कर लीजिए, नाइट विजन उसका कैसा रहेगा वो आपने कम कर दिया, आप हम पे आरोप लगा। और रही बात हमने अपने आप को नहीं बढ़ाया, आपने अपने बड़े व्यापारी भाइयों को बढ़ाने का काम किया है, आपने जो एक एयरपोर्ट का एक उद्घाटन किया है वो पूरी जनता जान रही है और जनता सवाल कर रही है कि इसको बेचेंगे कब, क्योंकि हम तो जो कर रहे हैं तो वो जनता को देने के लिए कर रहे हैं, आपने जो किया वो तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने व्यापारी भाइयों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इसे हम बनाएंगे और इनको बेचेंगे अच्छे दामों में, वो मौज करेंगे और हम मौज करेंगे, आम जनता उसमें पिसेगी, लूट जनता को आप रहे हैं, जनता की महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, 200 रुपए किलो का तेल आज इस उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खा रही है, हमारी सरकार में नहीं खा रही थी, जनता महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रही है, जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब वोट की चोट से देगी, दूर तक धूल नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की, जनता परेशान हो चुकी है। गौरव मिश्रा जी क्या जवाब दीजिए, क्या बोलेंगे इस मुद्दे पे? देखिए देखिए इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चौड़ाई इन्होंने 110 मीटर रखी, हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर 120 मीटर किया, इनकी सरकार ने 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा था और टेंडर वेंडर इशू कर दिया था भ्रष्टाचार करने के लिए, हमारी सरकार ने उसको और घटाकर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 12,000 करोड़ पे ला दिया। अब आइए आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार के कारण ही इनका कुनबा टूट गया, मुलायम सिंह जी का परिवार उसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कुनबा तो आपका भी टूट रहा है गौरव जी, कुनबा आपका भी टूट रहा है और ऊपर से टूट रहा है, ये जनता जान रही है। सुनिए 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 सुनिए, मैं सुन रहा हूँ, जनता को बताइए, कुनबा आपका भी टूट रहा है। जो जो एक्सप्रेसवे का एलिवेशन होता है उसको घटा के कम कर दिया और 30-40% के लगभग कार्य हमारी सरकार ने पूरा किया है, और वही मेट्रो का भी कार्य हमने भ्रष्टाचार किया। आपने जांच क्यों नहीं कराई, आपने जांच क्यों नहीं कराई गौरव जी, जांच कराते हैं आप, हमने भ्रष्टाचार किया आपका हक था, आप जांच कराते, क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपको उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं करना था और आपको जाना है, बंद है जेलों में भी बंद है, आपने जांच क्यों नहीं कराई, आरोप लगाते हैं आपने जांच क्यों नहीं कराई, 70 साल से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, एक भी जांच आपने कराई नहीं कराई, क्योंकि आपने सिर्फ झूठ बोला है। आप आप आपके सरकार में इतनी विकास की बयार बह रही थी तो जनता ने आपको हाशिए पे ला करके बिठा दिया। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, जनता ने मुझसे ज्यादा आप में विश्वास दिखाया था, जनता सीख गई। चले मुद्दे की बात कर लेते हैं, अपराध के बयार चल रही थी, मुद्दे की बात कर लेते हैं, कौन किसने क्या किया सबको पता है, जानकारी सबको रखते हैं, पर ये बताइए कि आप विकास की बात होती है कि विकास हम करेंगे,
5 साल सपा सरकार रही, उनका विकास भी मुझको पता है, और 4.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल हो गया है, उसका विकास भी हमको पता है। पर यहाँ विकास के बीच में जनता के मुद्दे कहाँ चले जाते हैं? जनता के विकास की बात कौन करता है? एक्सप्रेस वे बनाया, चलो जनता जुड़ा है, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, वो भी बन जाएगा, 3 चले हैं, अयोध्या 2022 तक बनेगा, 2024 तक आपका जेवर एयरपोर्ट भी बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेहतर काम हुआ है, पर ये बताइए कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो गोमती अब तक साफ नहीं हो पाई है, उत्तर प्रदेश की बात करें गंगा अभी तक साफ नहीं हो पाई है, अन्य बातें करें तो आज भी सीवर का पानी नदियों में जा रहा है, गंगा कानपुर में आज भी उद्योग धंधों का जो मैला कुचैला जो है रासायनिक पदार्थ है जो उनका डिस्पोज है वो भी गंगा में जा रहा है, सफाई कहाँ हो पा रही है, वो विकास कहाँ जाएगा? केवल माघ मेला या कोई कार्यक्रम के लिए विकास करते नजर आएंगे? नहीं, हमको विकास स्थायित्व चाहिए, स्थित चाहिए, जिसकी कोई स्थायित्व हो, जो कि स्थायी हो ना कि अस्थायी हो। गोमती की हिस्ट्री देखिए गौरव जी, कोई बात छिपी नहीं है, गोमती में आज भी गंदगी किस तरह से है किसी को पता है कि क्या गोमती में स्थिति है? तमाम योजनाएं आती हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये होगा वो होगा, पर भूता भाई धाक के 3 पात है, उन योजनाओं को उस जनता के विकास को लेकर कब बात की जाएगी? मैं जवाब आपसे चाहता हूँ। देखिए हमारी हमारी सरकार ने कानपुर के चमड़ा उद्योग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया, 455 से ज्यादा फैक्ट्रियों के जो मलबे थे जो गंगा में जाते थे उसको बंद कर दिया गया, और इसके अलावा प्रदूषण से संबंधित तकनीक और संयंत्र लगाने के लिए सभी उद्योग को बाध्य किया गया। आज गंगा का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 10 से ऊपर मिलेगा, 11-12 मिलेगा, जहां 2-3 के आसपास रहा करता था और एक बार स्नान करने पर चर्मरोग हो जाया करता था, आज वह स्थिति नहीं है। गंगा में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है, उसका उसका परिणाम भी सामने दिखाई देता है। हाँ, हम मानते हैं कि गोमती में अभी और कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत कार्य करने की जरूरत है, और कार्य बहुत कार्य होंगे, जिस विशेष रूप से लखनऊ के अंदर, लेकिन हमारी सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 25 करोड़ पौधे वृक्ष लगाने का भी अभियान चलाया, उसे पूरा भी किया, तो हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो क्षेत्र अछूता हो। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के इन योजनाओं को व्यापक रूप से निरूपित किया और जमीन पे लगाया, और आज उसका परिणाम भी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। सरीप जी क्या जवाब देंगे? देखिए रही बात गोमती की, गोमती को जितना सुंदर हमने बनाया, रिवर फ्रंट बना के जनता उसको सफाई आपने भी नहीं की, सफाई हमने की, गौरव जी इन्होंने गंदा करने का काम किया, जैसे ही मेरी सरकार गई इन्होंने उसकी लाइटें बंद करा दी, वहां सफाई कराना बंद करा दिया। गोमती की सफाई की बात करो सरीप जी, गोमती की सफाई हमने की गौरव जी, हमने की, ये दिन रात चिल्लाते रहे, इनकी सरकार आते ये गोमती को भूल गए, ये गंगा मैया को भूल गए, हमने तो अपना काम किया गौरव जी, जनता ने उसको देखा, जनता को इन्होंने बलगलाया, जनता ने इनको मौका दिया और जनता ने इनको करीब से जाना कि ये जनता के साथ क्या कर सकते हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक इन्होंने जनता को सिर्फ त्राही त्राही की है, बेरोजगारी इनके यहाँ चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में विपक्ष कहाँ गया था? विपक्ष की भी भूमिका थी भाई, जनता सबकी है, विपक्ष को आगे आना चाहिए था। गौरव जी विपक्ष सरकार 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 लड़ रही थी, सरकार मेहनत कर रही थी, सरकार प्रयास कर रही थी, वैश्विक महामारी थी, सरकार के प्रबंधन थे, उसकी सराहना भी हुई है, पर विपक्ष को समय आगे आना चाहिए, विपक्ष कहाँ चला गया था, विपक्ष आगे क्यों नहीं आया? पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घरों घर जाकर लोगों की जो असुविधा हो रही थी, जो उनको आवश्यकताएं थी, उनको वो पूर कर रहा था, लेकिन हम खुल के नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि इनकी सरकार हम पे मुकदमे लगा रही थी। अगर हम सड़कों पे निकल के जाते मुकदमे करने, तो ये लोग हम पे मुकदमे लगाते थे, ये हम पे तुरंत जेल भेजने का काम करते थे, तुरंत कहते थे साहब हम कोरोना फैला रहे हैं, तो हम लोग घरों घरों जाकर दो दो आदमी, तीन तीन कार्यकर्ता एक एक घर जाता था, राशन पानी जो आवश्यकता होती थी वो मुहैया कराते थे, एक एक गली एक एक कोने में गए हम समाजवादी के। जवाब दीजिए क्यों मुकदमा दर्ज कराते भाई? देखिए ये इनके नेता ने कोरोना जैसी महामारी में लोगों के जीवन रक्षा के लिए जो वैक्सीन आई थी उसको भाजपा की वैक्सीन बता करके लोगों को वैक्सीन लगाने से रोका और मौत के मुंह में झोंकने का काम किया। कोरोना काल में ये कर रही थी, घर के अंदर ड्राइंग रूम से बैठ करके केवल ट्विटर ट्विटर खेलने के अलावा इनके जिम्मे और कोई काम नहीं था जमीन पर। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक आधार पर 1918 मंडल है और सभी मंडलों में हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के सभी कार्यकर्ता सेवा कार्य कर रहे थे।
चाहे वो मांस वितरण का काम हो, सूखा अन्न का काम हो, पके हुए अन्न का वितरण का काम हो, जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके डेटाबेस को इकट्ठा करके सूचनाओं को पहुंचाने का काम हो, उसमें बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो प्रवासी आए थे वो पैदल चल चल के भूख से मर गए थे, वो पैदल चल चल के गौरव जी रास्ते में बच्चा दूध की धूप न मिलने की वजह से भूख से मर गया था। याद करिए गौरव जी, झूठ मत बोलिए, उन प्रवासियों को जितनी प्रताड़ना इस सरकार में मिली है ना, ये वो उनका परिवार याद करता है गौरव जी, कम से कम झूठ तो मत बोलिए, जो जनता ने देखा वो तो सच बोलिए। उसी सड़क पे थे जरा बताइए, किसके यहाँ गए जरा बताइए, हम आपको डिजिटल डायरी उपलब्ध करा देंगे सेवा कार्यों का पूरे भारत। गौरव जी हम लोग तो एक्सप्रेस वे पे गए, वहाँ आपकी पुलिस ने हमें रोकने का काम किया, आपकी पुलिस ने सपाइयों को बंद करने का काम किया, हमें जनता के बीच जाने नहीं दिया, क्योंकि आपको छूट थी हमको छूट नहीं थी। हम निकलते थे तो कोरोना फैलता था, आप निकलते तो कोरोना नहीं होता था गौरव जी। ये तो बहुत सस्ता बहाना है बचने का आपका, इससे आप बच नहीं ये सकते। सच है, इस प्रदेश की जनता जान रही है गौरव जी, इस प्रदेश की जनता जान रही है। और जब चुनाव का समय आया है तो आप दिलों से बाहर निकले। हम तो सड़कों पे रहे 4.5 साल, आपने लाठियां चलाई, आपने हमें जेल भेजा, आपके मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखवाए, आपने उनको जेल भेजा। अगर हम घरों में होते तो आपके मुख्यमंत्री सभा कार्यकर्ताओं को जेल ना भेज पाते। हम बिलों से बाहर थे, हम 4.5 साल सड़कों पे रहे, हमने संघर्ष किया है जनता के लिए और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। पहले संघर्ष बहुत किया, मुझे पता है सबका संघर्ष है। आप एक उदाहरण बताइए जहाँ पे सेवा कार्य करते हुए आपके किसी कार्यकर्ता को जेल भेजा गया है, उसके ऊपर मुकदमा लगाया, एक उदाहरण बताइए। अरे बहुत से जिलों में चले जाइए, बहुत से जिले हैं जिनका डेटा जहाँ आपने जेल भेजा है, जहाँ आपने कोरोना फैला रहे थे। कोरोना को छोड़ देते हैं, कोरोना महामारी चली गई, अब तीसरा वेरिएंट आएगा तब देखा जाएगा, सबकी परीक्षा फिर हो जाएगी, कौन कितने पानी में रहेगा, चाहे सत्ता की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, आप भी यही हैं और मैं भी यही होगा, हो सकता है आने वाले समय में भी तमाम व्यवस्थाएं ऐसी होंगी जिसमें दोनों पार्टियों की, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, दोनों की क्रियाशीलता देखने को मिलेगी। पर यहाँ मुद्दा विकास का है, तो विकास के मुद्दे पर शरीफ हाशमी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ऐसे कौन से विकास के काम रहे जिन पर जनता ने आपको लाभ भी दिया फिर बाद में नकार भी दिया, कौन कौन से काम रहे आपके बताइए। देखिए मैंने जनता के बीच पूर्ण रूप से विकास का कार्य किया, हमने सड़कें बनवाई, हमने लैपटॉप बांटा, हमने कन्या विद्याधन बांटा, हमने पेंशन दी, हमने जनता की ओर बढ़ के एक एक कदम बढ़ाया। जनता ने अगर हमें वोट नहीं दिया तो जनता को बलगराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने जनता को दो समुदाय में बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम बनाया, उनको आपस में लड़ाया, उनके मन में जहर घोला, जनता ने इनकी बलगलाहट में आकर उन्होंने इनको वोट दिया, आज जनता इनको पूर्ण रूप से जान चुकी है। तो ये बताइए, तो ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, इन्होंने बरगलाया, तो जब आप ये सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, आप विपक्ष में आ गए थे, तो पिछले 4 साल से आपने जनता को समझाया क्यों नहीं? ये समझाने की प्रक्रिया केवल चुनाव के समय क्यों शुरू की जाती है, रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से? आपने जनता को क्यों नहीं बताया कि ये बरगला रहा है, इन्होंने विकास नहीं किया है? नहीं। विकास आपने किया था, ये काम तब नहीं क्यों नहीं किया गया? हमने पूरे 5 साल इस बात को कहा, ये बीते 4.5 साल हम जनता के बीच रहे, हमने जनता को बताया कि हमने क्या कार्य किया। हम हमेशा कुछ न हर मुद्दे पे लेकर, भारतीय जनता पार्टी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों को लेकर हम सड़कों पे रहे, हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, हम जनता के बीच रहे और हमने सदा जनता से कहा कि हम हर मुद्दे पे आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। समाजवादी पार्टी का एक ही कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने बहुत काम किया है, इस पिछले 4.5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने 370 धारा का विरोध किया, 370 धारा की बहाली की, आंदोलन चलाने की बात करी, 35A की बहाली की बात की, राम मंदिर पर, राम मंदिर निर्माण पर प्रश्न उठाने का काम किया, तालिबानियों का समर्थन किया, जो आतंकी पकड़े आप भी तो तालिबानियों साथ बैठे हैं, ये काम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं जिसमें इनकी विशेषज्ञता हासिल है। अरे आप तो तालिबानियों का इस्तकबाल करते हैं सरकार बनते ही, जनता ने जमीन पे सिंहासन पे जो इनको अफगानिस्तान पे कब्जा होता है उनका वेलकम करते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं, बेरोजगार जो इनको किया है उसके पीछे का कारण यही है, बेरोजगार तो आप हो जाएंगे। आज भी ये अंकगणित पर खेल रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर ये काम करें, मुझे जरा बताइए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन हो,
चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना का तो ये हाल है, खाली सिलेंडर लेके जनता घूम रही है, पैसा नहीं है जेब में भराने का। ऐसी योजना का क्या करना जो कागजों पे रहेगी? जनता उस फिर धुएं को झेलने को तैयार है। वही गांव की महिलाएं आज फिर चूल्हा जला रही क्योंकि आपने इतनी महंगाई की मार दे दी कि वो सिलेंडर भराने के लिए सक्षम नहीं है। मुद्दा विकास का, विकास के मुद्दे पे ही बात करें। सुन लीजिए, मैं विकास की बात करने की बात कर रहा हूं। बताइए गौरव, बीच में चिल्लाने लग रहे हैं, बोल दीजिए। जब हम बोल रहे तब अपना गला साफ करें, बीच में क्यों इतना खराश आ जा रहा है? बात सही है, सुन लो उनको भाई। पूरी जब ये बोल रहे हैं तो मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर इतना ही काम किया था इन्होंने, हमने बताया कि हमारी सारी फ्लैगशिप योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अकेले मुरादाबाद में, जहां 54% अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 से ज्यादा आवास उनको मिले, बिना भेदभाव के मिले। मुझे ये बताएं कि तुष्टिकरण में अंधे होकर के राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं ने उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम किया है। इनके घबराहट और परेशानी का कारण यह है, इसीलिए ये बार बार धार्मिक उन्माद पैदा करके, डिस्क्रिमिनेशन, अलगाव पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि YM समीकरण हो जाए, YMJ समीकरण हो जाए तो हम सरकार बना लेंगे। अब दरअसल जनता ने अपना गेयर बदल दिया है, ये सारे समीकरण फेल कर दिया है जनता ने। अब एक ही समीकरण चलेगा, विकास का समीकरण चलेगा। अगर उस रास्ते पर नहीं रहेंगे तो फिर ये नीचे आएंगे, इनका कोई पुरसा हाल नहीं होगा। जिस तरह से कुंभकर्ण की नींद में ये 4.5 वर्ष तक सो रहे थे, फिर ये सोएंगे अगले 2022 से 2026 तक। सरीफ हाशमी, जवाब दीजिए भाई, कह रहे हैं कि आप लोग। गौरव जी, ये ऐसा है, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि इन्होंने सिर्फ लड़ा के सत्ता हासिल की है। आप कहीं का इतिहास उठा लीजिए, इन्होंने सिर्फ दंगे कराए हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। इनके मुख्यमंत्री जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने मंचों से सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसको शायद दोबारा दोहराना बहुत अजीब लगेगा। ये हम पे आरोप लगाते, अरे हमने तो कभी धर्म और जात की राजनीति की नहीं, हमने समाजवाद की राजनीति की, हमने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा है। और गौरव जी, आपकी सरकार ने तो ब्राह्मणों का वो हाल किया है, आप कह नहीं पा रहे हैं। आपकी सरकार में आपके ब्राह्मण आपसे नाराज हैं। आप जिनकी जिन जो आपके साथ खड़े होते थे, आज वो खुल के कहते हैं कि वो समाजवादी को वोट देंगे। कल वो भाजपा ही थे, आज वो समाजवादी हो गए और हम पे आरोप लगाते हैं। हमने न जात की लड़ाई की, न धर्म की लड़ाई की। आप हिंदू मुस्लिम कराते रहे, आज भी हिंदू मुस्लिम ही कराते हैं। आप जहां भी खड़े होते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। एक भारत के नागरिक के रूप में बात क्यों नहीं करते? हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय है। आप क्यों नहीं कहते कि हम भारतीयों के साथ हैं? आप क्यों विशेष धर्म की बात करते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ ये करेंगे? आप हमेशा यही कहते हैं, विकास के मुद्दे पे आते हैं, विकास के मुद्दे पे आते हैं। गौरव मिश्रा जी, बताइए कि क्या विकास होना चाहिए? अभी भी कई विकास की ऐसी चीजें बाकी हैं, चाहे सड़क पर हो, चाहे बिजली में हो, चाहे उद्योग धंधों में हो, चाहे अन्य व्यवस्था में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं करेगी जिसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए और उनको मिलेगा? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और उत्तर प्रदेश जो देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश विकास के संघर्ष यात्रा में भी सबसे तेज गति से आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन रहा है वो इतना नकारात्मक रहा है कि यहाँ 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का शेयर देश के अंदर में करने का लक्ष्य स्थापित किया है, उसको हम अचीव करेंगे। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को, संपर्क को इतने महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले जो यात्राएं 8-8 घंटे में होती थी, आज वो 3 घंटे में पूरी हो रही हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में डेवलप हुआ। आप सोचिए, केवल अर्जुन सहायक बांध परियोजना, जो सिंचाई की परियोजना थी, इनके सरकार से लंबित थी, 2008 से लंबित थी, हमारी सरकार पूरा करती है। गाजीपुर के अंदर में, बनारस के अंदर में कम से कम 10 ऐसे पुल है जिसका उद्घाटन इनकी सरकारों ने किया 20-20 साल 25 साल पहले, उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। जब कनेक्टिविटी होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होंगे, तो निश्चित रूप से
निवेश आएगा, रोजगार पैदा क्या होगा, एक हेल्दी वातावरण, स्वस्थ क्या प्रतिस्पर्धा का कुछ वातावरण चीजों के पैदा दाम होगा कम और होंगे उत्तर प्रदेश देश के जीडीपी में। गौरव जी? क्या कुछ चीजों के दाम जी कम होंगे? बिजली के दाम कम होंगे क्या? पेट्रोल डीजल बैट में आएगा क्या? जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है वो कम होगा? क्योंकि उसका भी सीधा सरोकार विकास से ही है। जब आदमी का पैसा ही नहीं होगा तो क्या उपयोग, क्या उद्योग धंधे लगाएगा? क्या वो आगे बढ़ेगा? ताम क्या उसके पास पूंजी होगी जिसका उपयोग वो अपने विकास में, जो कि सीधा सीधा प्रदेश के विकास से सरोकार रखता है, वो कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस तरह से आप महंगाई की बात कर रहे हैं, उसे यदि आप देखें तो जो तय मानक है उससे भी 1% कम करके रखा गया है, रखा गया है 3.24%, जिसका 4.24% का अनुमान लगाया गया था उससे भी कम करके रखा गया है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में महंगाई को काबू रखा गया है। डीजल और पेट्रोल की जहां तक बात है, डीजल और पेट्रोल के दाम जो ओपेक देश हैं, जो 8 ओपेक देश हैं, वो इसके कच्चे तेलों के दाम तय करते हैं। कोरोना में बहुत उसको कम दाम बढ़ाया, थे जिसके जिसके कच्चे कारण जो है बैरल जीडीपी के, तब कोरोना भी में रेट तो बढ़ ही तेल रहे। को कोरोना में तो तेल कोई ले ही नहीं रहा था। यही कारण है कि वो अपने घाटे की पूर्ति इस प्रकार से कर, यही कारण है कि वो अपने घाटे की पूर्ति इस प्रकार से कर रहे हैं प्रकारांतर में। हाँ सरित जी, देखिए, हर राज्यों में सरकारों ने है, लेकिन वहीं कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, अन्य दलों की जहां सरकारें हैं, वहां एक्साइज को कम नहीं किया गया, वहां 100 के पार है, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं तेलों के दाम को घटाया गया, कम किया गया। ये साफ समझ में आता है गौरव कि जी, उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन विरोधी कोरोना टाइम में भी हुआ है, उद्योग धंधे कोरोना टाइम में भी चले हैं, डीजल पेट्रोल का उपयोग कोरोना टाइम में भी हुआ है। उस समय अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मांग कम थी या उसके रेट कम थे, तो उसके रेट कम क्यों नहीं किए गए? सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो यही होता है कि जब रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होते हैं, तो जब कम होते हैं तो उसके हिसाब से उसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिलता है? विकास की बात हम बहुत करते हैं, लगातार बात करते हैं और कहते हैं विकास हम करेंगे, पर विकास के जो जो विकास की पूंजी है वो जनता कहाँ से लाए, उसकी व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी, ये अभी भी बड़ा प्रश्न है। शरीफ जी, अब बताइए क्या आपके विचारधारा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मैं विकास के इसके किन जवाब मुद्दों की बात दूंगा। करती नजर आएगी देखिए अगर सत्ता में आती है तो? देखिए, हम अगर सत्ता में आते हैं तो सर्वप्रथम एक काम हम ये करेंगे कि इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, और जिन सड़कों को इन्होंने कागजों पे गड्ढा मुक्त करने का काम किया है, हम गांवों की उन सड़कों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम करेंगे, हम कन्या विद्या धन देंगे, हम ये चाहेंगे कि प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों हर प्रदेश, भारत के हर प्रदेश से बेहतर हो, हम ये देने का काम करेंगे, और इस प्रदेश में हम शिक्षा को बहुत आगे अग्रसर करने का काम करेंगे कि इस प्रदेश के बच्चे शिक्षित हों और उनको पढ़ लिख कर उनको हम रोजगार मिल सके, वो अच्छे से अच्छे कंपटीशन में बैठ सके, और इस प्रदेश के स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का काम करेंगे, जो इनकी सरकार में जिन्होंने इस स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण अपने परिवार के लोगों को खोया है, हमारी सरकार में आने तक उनको इसका सामना ना करना पड़े। और रही बात पेट्रोल कम होने की दाम की बात, तो ये तब करेंगे जब जब ये हर स्टेट हारेंगे, ये हिमाचल हारे इन्होंने दांव गिराया, फिर ये कहीं हारेंगे ये फिर गिराएंगे, हम पे आएगी चलो ठीक जो है, कुवत होगी वो हम अब करेंगे। फाइनल कमिटमेंट कमिट उनसे ले लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, फाइनल कमेंट्स दीजिए, क्या कहना चाहिए 30 सेकंड में? विकास को एक मिशन मोड में लेकर के चल रही है और आम जन जीवन की, आम मानवीय की हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर के योजना बनती है। यहाँ किसी जाति पंथ संप्रदाय इसको ध्यान में रखकर, क्षेत्र को ध्यान में रखकर के कार्यक्रम नहीं बनते। यही कारण है कि आज सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सुधार हो रहा है और उसके रिजल्ट जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जनता का समर्थन बना हुआ है और इसी विश्वास के साथ हम चुनाव में फिर 2022 में जाएंगे और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार बनाएगी। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोनों पक्षों को हमने सुना। समाजवादी पार्टी के शरीफ हाशमी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा
भाजपा का पक्ष रख रहे थे, दोनों से हमने जाना कि विकास की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। पर अगर हम विकास की बात करें तो विकास वहां पर आ जाता है जहां पर विकास की जो परिभाषा है वो आम जनता से जुड़ी होनी चाहिए। पर यहाँ विकास के जो मायने हैं कभी राजनीति में चले जाते हैं, कभी जातिवाद में चले जाते हैं, कभी धर्म में चले जाते हैं और कभी केवल वादों में चले जाते हैं। पर जनता के विकास की बात जो सीधे सीधे सड़क से जुड़ी हुई है, जो सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो सीधे सीधे उद्योग धंधों से जुड़ी हुई है, जो जनता की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, उसकी बात कोई नहीं करता है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो नए नए नारे उनके भी मिल रहे हैं और नए नए नारे सपा के जो सत्ता पक्ष है उसके भी आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के विकास से जुड़ी बात कौन करेगा, क्योंकि दावे होते हैं पर उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। अगर सत्ता पक्ष की वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो वो उसको जिम्मेदारी की याद दिलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। तो यहां विपक्ष की भी भूमिका भी कम नहीं होती है, पर उस भूमिका को कौन कितना कहां तक निर्वाह करता है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा और आने वाले समय में चुनाव में क्या परिणाम आएंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि विकास केवल और केवल कागजी नहीं दरार पर होना चाहिए। सपा ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, आने वाले समय में जो पार्टी इस सत्ता में आएगी वो क्या करेगी, फिलहाल बात इतनी है कि विकास के लिए जनता को किसकी राय और देखनी पड़ेगी, जनता के मुद्दों की बात कब होगी, विकास की सही बात कब होगी और विकास धरातल पर कब उतरेगा, ये फिलहाल अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो आज की इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, अगली बार वीकेंड चर्चा में किसी विशेष मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के मुझे इजाजत, नमस्कार।